नमस्कार, हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी टेलीविजन से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। एसी की गर्म हवा के कारण पड़ोसियों में हुआ विवाद, बुजुर्ग को दूसरी मंजिल से दे दिया धक्का और हो गई मौत। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहाँ के फर्श बाजार स्थित एनएसए कॉलोनी में एसी एयर कंडीशनर की हवा के विवाद में बुजुर्ग की छत से धकेल कर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग अपने परिवार के साथ उसी कॉलोनी में रहते थे। गर्म हवा की बात को लेकर कहासुनी हो गई, अचानक बहस बढ़ती चली गई और पड़ोसी ने बुजुर्ग को छत से नीचे धकेल दिया। दो मंजिला इमारत से गिरने के कारण बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। दोनों का विवाद काफ़ी पुराना, ये जो विवाद है काफ़ी पुराना विवाद है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार की दोपहर 2:42 पर पुलिस को अस्पताल से जानकारी मिली थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि धर्मपाल 60 वर्षीय अपने परिवार के साथ कॉलोनी के एक मकान में रहते थे, जिनका पड़ोसी धर्मेंद्र उर्फ धम्मू के साथ एसी की हवा को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के घर में एसी लगी थी और उनका एक दूसरे पर आरोप था कि दूसरे की एसी के कारण उनके घर में गर्म हवा आती है, एसी को लेकर अक्सर झगड़ा। पुलिस के मुताबिक दोनों परिवार के बीच में इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता है। कल भी परिवार के कई सदस्य घर पर थे, जिस दौरान झगड़ा हो गया और वह लोग तुरंत छत पर पहुंचकर लड़ने लगे। आरोप है कि लड़ने के दौरान ही धम्मू की तरफ वालों ने धर्मपाल को धक्का दे दिया, जिससे वह दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए। पुलिस ने किया अरेस्ट। बताया जा रहा है कि धम्मू पूर्वी दिल्ली नगर निगम में ठेके पर काम करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके रिश्तेदारों और घर वालों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आरोप है कि धर्मपाल को नीचे धकेलने के बाद धम्मू का रिश्तेदार वहां से भाग गया और दूसरे की छत पर कूद गया। उसके वजह से वह छत भी गिर गई और वह खुद भी घायल हो गया। आरोपियों में धर्मपाल के बेटे देव के साथ भी आरोपियों ने धर्मपाल के बेटे देव के साथ भी मारपीट की।